नाज़रीन, मेरे जहन में भी ये आइडिया हमेशा आता था, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट बना लिया गया है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मलिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से उन्होंने ये बनाया है। उसमें उन्होंने क्या किया, एक एक सिंपल कूलर लिया प्लास्टिक बॉडी के अंदर, आगे उसके पंखा है, पीछे उसके खसे हैं, और उसके अंदर नीचे पंप लगा हुआ है जो कि पानी ऊपर ले जाएगा, यानी सिंपल नॉर्मल कूलर की तरह। लेकिन उसमें उन्होंने एडिशन क्या किया कि एक फ्रिज का छोटा सा कंप्रेसर फिट कर दिया, और जो उस कंप्रेसर की ठंडी साइड की जालियाँ थी उसको नीचे पानी के अंदर रख दिया, और जो उसकी गर्म साइड का कंडेंसर था वो भी उसके अंदर ही रख दिया, उन्होंने कूलर के अंदर ही रख दिया, ताकि जब पानी सर्कुलेट होकर वापस आएगा तो उस कंडेंसर को भी ठंडा करेगा, और नीचे आपका पानी बेस में ठंडा रहेगा, जिससे कि आपको एसी वाली कूलिंग मिलेगी। कीमत जनाब उन्होंने उसकी 25,000 रख दी, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये चीज़ लेने के बाद एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जनाब यहाँ दो चीज़ें समझने वाली, पहली चीज़ कि अगर वो जो उन्होंने कंप्रेसर रखा है कूलर के अंदर, वो कंप्रेसर के साथ जो कंडेंसर यानी उसकी जो गर्म साइड होती है, कंप्रेसर की जो जाली की गर्म साइड होती है, वो भी कूलर के अंदर ही रख दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप एक घर में सेपरेट एसी लगा लें, एसी का अंदर वाली साइड भी कमरे के अंदर ही रख लें, और जो बाहर वाली साइड गर्म हवा फेंकती है उसको भी कमरे के अंदर ही रख लें, तो वो आपको कितनी कूलिंग देगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अक्सर ये कॉमेंट्स किए गए यूट्यूब पर, लेकिन मेरा प्रॉब्लम इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर आप उसको बाहर भी रख देते, जो उसकी गर्म साइड है उसको पाइप लगा के आप बाहर भी रख देते, तब भी इसने कामयाब नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना। और क्यों? उसकी वजह यह है कि वो जो कंप्रेसर आपका लगा हुआ है वो उस पानी के टेम्परेचर को ठंडा कर रहा है, और उस पानी को आप सर्कुलेट करवा रहे हैं, खसों में से गुजार रहे हैं, बेशक हनी कॉम्ब हो या नॉर्मल हो, उसके अंदर से गुजार के हवा उसमें से गुजर के आपको ठंडी मिल रही है। ये एवेपोरेशन एयर कूलर का ये सिस्टम है, यानी ह्यूमिडिफाई आपकी हवा के अंदर नमी की मिकदार को बढ़ा के आपको ठंडी हवा दे रहा है। एसी जो होता है वो डीह्यूमिडिफाई होता है, वो आपकी हवा से नमी को निकाल रहा होता है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अगर उसको पानी को आप ठंडा भी कर लेंगे कंप्रेसर के ज़रिए, तब भी आपको वो नमी से पहले के महीनों में थोड़ी सी ठंडी हवा ज़रूर देगा, लेकिन वो तो आप एक नॉर्मल कूलर के अंदर भी अगर बर्फ़ की बोतलें रख देते हैं, या बर्फ़ के डाल देते हैं, कोई 50-60 रुपए की बर्फ़ डाल देते हैं, या बर्फ़ के जो कोले होते हैं उनको आप जमा के डाल देते हैं, तब भी वो वही कुछ करेंगे। तो उसमें आपको 5,000 के कूलर ले लें या 25,000 का कूलर ले लें तो आपको इफेक्ट एक ही मिलेगा, और ये कूलर कतन एसी नहीं है, ना ये आपको एसी वाला फ़ायदा देगा ना मज़ा देगा। दोनों सूरतों में अगर उसकी गर्म साइड आप एसी कमरे के अंदर रखें, कूलर के अंदर रखें, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, कूलर के बाहर कमरे से बाहर रखें तब भी कोई फ़ायदा नहीं, नमी के महीनों में वो फेल है, और नॉर्मल टाइम में भी वो कतन 2 एम्पीयर लेके आपके 2,000 का बिल नहीं आएगा। तो 25,000 पे ऐसे प्रोजेक्ट पे जाया करने से अच्छा ये है कि बराए मेहरबानी आप एक विंडो एसी ले लें, विंडो एसी चलाएं और उसके अम्पेयर का ख्याल रखें, अम्पेयर उसके 2-2.5 अम्पेयर वाला यूनिट उठा लें, वो आपको फायदा देगा। अगर एसी लेना, अगर कूलर ही लेना है, 5-6 हज़ार का सिंपल कूलर लेना है। आपको मार्केट में जेल मिल जाती है, बोतलें होती हैं जिसमें जेल होती है जो कि फ्रीजर में रखने से फ्रीज होती है, आप उसको निकाल के अपने नॉर्मल 5-6 हज़ार रुपये वाले कूलर के अंदर रखें, और उसके बाद 12 घंटे 8 घंटे के बाद में नई बोतलें ला के उसमें रख लें, तो वही यही कुछ करेगा जो ये 25,000 रुपये वाली चीज़ कर रही है। लिहाजा इससे बचें। पाकिस्तान जिंदा।